हाय एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा में JBT जूनियर बेसिक टीचर के जो फॉर्म्स होते हैं उसके फॉर्म निकल चुके हैं, जो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए होते हैं, जिसमें प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाई करानी होती है। मतलब जो टीचर बनते हैं प्राइमरी तक के, उसके लिए JBT का फॉर्म निकलता है, या DED बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट DED या DLED के नाम से ही बोलते हैं, UP में BTC वगैरह भी बोलते हैं। तो उसके फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, 14 आज 13 तारीख है, 14 अक्टूबर से इसके फॉर्म निकल जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो होगी 23 अक्टूबर होगी। तो जितने भी भाई बहन या जो भी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए ट्राई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में, उसको JBT करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख है, 14 तारीख से फॉर्म निकल चुके हैं। ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकले हुए हैं, इसको फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करके उसके बाद आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपका नंबर आता है, काउंसलिंग हो जाती है। पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन की, जिसे DED भी बोलते हैं, आपकी हरियाणा रेजिडेंस एंड आउटसाइड हरियाणा दोनों के लिए अवेलेबल है। अक्टूबर 24 से लेके 2024 तक है, 14 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर तक की इसकी लास्ट डेट होगी। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस होगी 500 रुपये होगी जनरल कैटेगरी के लिए। SC, BC और EWS के लिए जो कैटेगरी होगी वो 275 रुपये की फीस कटेगी इनकी, या आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। इसकी जो वेबसाइट है आपकी SCET हरियाणा.gov.in है, इस साइट को ओपन करके चेक करेंगे। अभी साइट इसकी डाउन पड़ी हुई क्योंकि ये मेंटेनेंस पे है, आज रात में इसमें अपलोड होने फॉर्म, इस वजह से। इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसमें 10 प्लस 2 मतलब 12th जो है वो पास आउट होना चाहिए किसी भी वेरीफाइड बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से ज़्यादा बढ़िया, 50% नंबर उसमें होने चाहिए 12th के अंदर। और SC और BC कैटेगरी के लिए जो है इसमें 47.5 सब्जेक्ट दे रखा, 47.5%। 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ही कंपलसरी है। इसका जो पूरा एडमिशन नोटिस है ये हम इसमें लिंक दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जैसे स्ट्रीम सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स वगैरह जो भी है। इसमें जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फीस है वो 25,800 रुपये है, और सेकंड ईयर भी ये लमसम सेम ही रहती है। ये देखिए इसमें नीचे पूरी जानकारी दी हुई है कि 10 से 14 से फॉर्म चालू होगा, 23 की लास्ट डेट हो जाएगी, फिल द रिमेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, 24 लास्ट डेट होगा। इसका जो फर्स्ट राउंड होगा जो सीट अलॉट होंगी वो 25-10 से आपकी मतलब सीट भी अलॉट होने चालू हो जाएंगी। जो एडमिट कार्ड होगा आपका, लेटर जो भी प्रोविजनल, वो 25-10 से मिल जाएगा, 27-10 के बीच में, पहले के लिए आपको, पहले राउंड के लिए, पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड राउंड के लिए 28 से दे रखा उन्होंने, 31 की लास्ट डेट है, और थर्ड राउंड को 4 नवंबर से लेकर के आपको 7 नवंबर तक का दिया हुआ है। तो इस फॉर्म को आप चाहें तो खुद भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी अपने CSE सेंटर पे जा करके इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ी नहीं करें, गड़बड़ी करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और भी किसी तरीके की जानकारी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।